और मेरा अभी 3 महीने पहले 19 नवंबर को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा, बट ये पूरा पेशेंस का खेल है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। सो इंटरनेट के थ्रू काफ़ी क्लिनिक्स को सर्च करा। इस टाइम पर हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कम्युनिकेशन था। मैं काफ़ी घबरा भी गया था कि कहीं मेरा ट्रांसप्लांट फेल ना हो, लेकिन मुझे जब मैंने कंसल्ट करा सो उन्होंने बोला ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। मेरा नाम अभिदय बिष्ट है, मैं रामनगर से हूँ, नैनीताल उत्तराखंड, और मेरी एज 26 साल है। और मेरा अभी 3 महीने पहले 19 नवंबर को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, और ये मेरा थर्ड पीआरपी सेशन है। सो ट्रांसप्लांट से पहले मेरे को काफ़ी थोड़ा इस बारे में था कि क्लिनिक अच्छा होना चाहिए, रिज़ल्ट अच्छे होने चाहिए, और मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद QST को सिलेक्ट करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसल्ट करा डॉक्टर से, सो उन्होंने मुझे अच्छा गाइड करा कि किस टाइप का प्रोसीजर होता है, क्या होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा, बट ये पूरा पेशेंस का खेल है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए इसमें। और अभी तक मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हूँ। तो मेरा अर्ली स्टेज में बॉल्डनेस स्टार्ट हो गया था अराउंड 20 जब मैं एज में था कॉलेज टाइम पे। सो उसके बाद होते करते मैंने थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह ली, बट कोई असर नहीं हुआ। सो मैंने गिव अप कर दिया था इस चीज़ पे कि ठीक है अब नहीं होगा। बट आफ्टर सम टाइम मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मैं ट्रांसप्लांट ले जाऊंगा। तो जब मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया तो मैंने इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सो इंटरनेट के थ्रू काफ़ी क्लिनिक्स को सर्च करा। बट मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि क्या प्राइसिंग होगी, किस टाइप की रेंज होगी, और किस टाइप का रिज़ल्ट होगा। और इस टाइम पर हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे क्लिनिक्स हैं इंटरनेट में। जब मैं इस बार स्क्रॉल कर रहा था, मुझे QST के बारे में पता चला। मैंने थोड़ा इसके बारे में थॉरो रिसर्च करी, इनका यूट्यूब चैनल वगैरह था, तो मैंने एक बार यूट्यूब चैनल देखा। सो वहाँ पे मुझे इनकी वीडियो गैलरीज और फोटो गैलरीज में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले, काफ़ी प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट मिले, और कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। सो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना कंसल्ट किया जाए। और कंसल्ट करने के बाद मेरे को थोड़ा श्योरिटी हुई कि हाँ ठीक है, मेरे को यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट अपना करवाना चाहिए, तो इसलिए मैंने QST को चुना। तो मैंने QST टीम से कांटेक्ट किया था। सो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप क्लिनिक आके विज़िट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आके कंसल्ट करा। सो मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड करा कि आपका बॉल्डनेस इतना हो चुका है, आपका डोनर एरिया वीक है, स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मुझे अच्छे से पूरा बताया, और कोई बहुत ज़्यादा मुझे गलत प्रोमिसेस नहीं करे। बेसिकली उन्होंने जो रियलिटी थी मुझे उसको बताया कि आपको इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे, इतने सेशन होंगे एंड ऑल। सो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि रैदर देन मेकिंग रॉन्ग प्रोमिसेस, उन्होंने मुझे जो रियलिटी थी उसको बताया। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कम्युनिकेशन था डॉक्टर से एंड स्टाफ से, एवरीथिंग। तो जब मैं सर्जरी के लिए आया था, सो मेरी सर्जरी 3 दिन चली थी। फर्स्ट दिन मेरी हेयरलाइन वगैरह डिज़ाइन हुई थी, सेकेंड डे मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी। सो ये अराउंड 8 घंटे 9 घंटे की मेरी सर्जरी चली थी। सो सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स और वो पूछ रहे थे कि आप ठीक हैं, कोई पेन वगैरह तो नहीं है। एंड सर्जरी में स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि काफ़ी पेन वगैरह होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। सर्जरी बहुत ही स्मूथली चली, और मेरा 2 दिन का प्रोसीजर हुआ। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे, डॉक्टर्स ने मुझे कंसल्ट करा कि ठीक है आप घर जा सकते हैं। सो मुझे काफ़ी प्रिकॉशंस के लिए बोला गया था, लाइक अपने हेड को कवर अप करना, साफ़ सफाई पे ध्यान देना, और बार बार ग्राफ्ट्स को हाइड्रेट रखना, मेडिसिंस टाइम से लेना, एंड स्लीपिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग। सो मैंने उन प्रिकॉशंस को अच्छे से किया था। और सर्जरी के दौरान मेरा फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प को कवर किया गया। सो अभी मैं आगे इनमें और ग्रोथ और
रिजल्ट्स के लिए देखना चाहता हूँ। सो सर्जरी के बाद मेरे बीयर्ड से और डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स लिए गए थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा इचिंग वगैरह और रेडनेस काफ़ी थी, बीयर्ड एरिया में मोस्टली ज़्यादा थी क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। सो लेकिन एक डेढ़ हफ्ते बाद वो हीलिंग स्टार्ट हो गई थी और मैं नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दी थी। बस थोड़ा कई बार आपको सोने में प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है, बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। 2-3 हफ्ते बाद आपको सब कुछ नॉर्मल रहने लग जाएगा। और 1-1.5 महीने बाद मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था अच्छे से, और उस टाइम पे मैं काफ़ी घबरा भी गया था कि कहीं मेरा ट्रांसप्लांट फेल ना हो। लेकिन मुझे जब मैंने कंसल्ट करा तो उन्होंने बोला ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, एंड QST टीम बार बार मेरे से फॉलोअप वगैरह लेती रहती थी कि आप अपने हेड की फ़ोटोज़ भेजिए, एंड जो भी प्रिकॉशंस वगैरह थे वो बार बार मेरे से लिए जाते थे। सो ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सो जब मैंने QST चूज़ करा था तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी हद तक अभी तक मेरे को मेट हुई है। मेरा 3 मंथ्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल गया है, एंड डॉक्टर्स का कहना भी है कि एक्चुअल रिजल्ट्स आपके कम से कम 6 महीने या 1 साल में आते हैं, बट मेरे को अभी से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो मैं उन चीज़ों को इन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह इन सब से थोड़ा डर रहे हैं या फिर हेयर लॉस से डर रहे हैं, तो एक बार मेरा रिकमेंडेशन है कि आप QST में आके एक बार विज़िट करें, यहाँ पे कंसल्ट करें डॉक्टर से। सो थोड़ा आपको बेटर क्लियरिटी होगी। तो मैं आपको जल्दी मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी ग्रोथ के साथ। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।